नमस्कार हम बाने जीत कुमार और वो सब चालू कर दो बने निश्चित भोजपुर का। फिर सलाह जब बात करो एक बार फिर से खेसारी लाल यादव के, खेसारी लाल यादव अब हाई कोर्ट से भैया सुप्रीम कोर्ट दिया, हाँ हाई कोर्ट से अब सुप्रीम कोर्ट जो है अब रवा लगे वह मुद्दा, हाँ वह मुद्दा जानते जो हम खेसारी लाल दो साल खातिर बैन बढ़ा। तो आज पूरा डिटेल से बात करम कि हाई कोर्ट से अब सुप्रीम कोर्ट जा रहा बढ़ा तो आखिर का प्रोसेस हुई और का करे के पड़ी और कैसे कैसे उनका लोग भी उनका साथे का कर रहा बाड़म, तो चलिए सब कुछ बताए मैं वो काम करी। चैनल बनाए बनी सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट कर दी और भैया जुड़ जाइए मजा आवेला बटन। चलिए अब हम बात कर रहे हैं खेसारी लाल के बारे में। देखिए खेसारी लाल के बारे में हम का बताएं, खेसारी लाल खुद लाइव आके बता चुके बने और तमाम सारा मीडिया लोग से रवा लोग सुन चुके बने कि खेसारी लाल के मतलब एल्बम गावे खातिर 2 साल खातिर बैन हो गए बड़ा ना। तो आखिर का बटे मुद्दा तो थोड़ा समय की जान ले रहे एग्जैक्टली। सबसे बड़ा दिक्कत बना कि भोजपुरी के लोग ना कभी भी लिखी चीज के ना मतलब कुछ समझ में ना कर लेता। तो एक कुछ दिन के बाद हो कि जब ग्लोबल म्यूजिक से इनकर मान लें कि भैया भाई की गाना दे दो, अब देखिए 5 करोड़ मिल बा कि ना, वो लाइव में कर भैया हमको 5 करोड़ नहीं मिलल तो हम कहें 5 करोड़ मिलल बा कि नहीं मिलल कि टुकड़ा टुकड़ा में मिलल बटे, ये खुद के सारी लाल ही बता सकते और ग्लोबल म्यूजिक के जे ओमे को ओनर रोके या चाहे देवे वाला है वो लोग बता सकल। अब हमने ये जस्टिफाई हम ना कर पाए कि 5 करोड़ करके मिलल बा कि नहीं मिलल, लेकिन वाइल का बाटे कि जैसे कि खेसारी लाल यादव उस समय उनका रखे 2-3 गो गाना दे के मतलब दिया उनका टुकड़ा टुकड़ा में पैसा मिलत गए तो उनका लागल कि यार कि हम जितना काम करें शायद हमको पैसा मिल गए। लेकिन देखो एग्रीमेंट साइन भरे एग्रीमेंट साइन भर है जो हमें भाई 2 साल पीरियड लिखा रहे तो मतलब 2 साल में शायद 200 गाना की शायद 100 गाना ऐसा है टाइप करे। अब खेसारी लाल यादव के शायद ये लागल कि यार हम जितना पैसा हमको मिल हम उतना गाना दे रहे, लेकिन कंपनी जो साइन करे रहे एग्रीमेंट, हाँ एग्रीमेंट जो साइन करे रहे भैया उसको साइन तो साइन है। अब आप अपना आपके कितनों बार का 30 मार खान रही लेकिन कलम के ताकत के आगे सब नदारत बटे शायद ये बात खेसारी लाल के पता ना रहे। अब इतना भी बचकस ना रहा कहे कि अभी केस में दर्जी कर रहा कि उनका रखे फंसावल गोल बटे जानबूझ के फंसावल गोल बटे के हो सकेला। अब देखिए भैया ये सब बहुत ही अलग टाइप का चीज़ बा, अलग टाइप का बटे मतलब हमको सोच के भी अजीब लगाता और गजीब लगाता, हाँ सोच के भी अजीब और गजीब उनका क्यों कैसे फंसा सकेला यार जे मतलब इतना लोगों पर दिलों पर राज कर रहे हो तो कुछ तो चलहा खोक बो खेसारी लाल भाई इतना बुर्बक तो हो ना सक जितना तू हम सोच तो रह जा ऐसा तो ना हो सकेला भाई एकदम बुर्बक आदमी हो भाई। अभी हाल ही में लगभग 2 करोड़ के लगभग कार रोड ले रहनी यार इतना बुर्बक कैसे हो सकल, लेकिन उस जगह एग्रीमेंट ही शायद खेसारी लाल के मतलब फंसा दिल क्या बीच में खेसारी लाल के जो गाना डिलीट भर है ना ये सब ग्लोबल म्यूजिक के चलते ही भरे एग्जैक्टली। जब उस जब कोर्ट में केस चलते रहे तो उस समय के जजमेंट आयल की एग्जैक्टली जब तक ये मतलब जब तक ले केस कोर्ट में चल रहा बटे तब तक खेसारी लाल गाना गा सकते रहन तो स्ट्राइक भी ना मरब तो उस समय ग्लोबल म्यूजिक के मतलब विपक्ष में आई रहे जस्टिस तो उस समय ग्लोबल म्यूजिक भी शांत हो रहा। लेकिन ओकरा बाद हाँ लेकिन ओकरा बाद अभी जब 1.5 साल के बाद जब ये आयल हुए जजमेंट तो भैया आ गए खेसारी लाल के विपक्ष बस कि भैया आप देखो 2 गो काम कर सकते रहो तार लगे 2-3 गो रास्ता बटे। पहला काम किया तो तू 5 करोड़ रुपया ग्लोबल म्यूजिक के पहुँचा दो, हाँ मैंने दे दो और बाद से तू फ्री वाला। दूसरा का काम ये बटे कि अगर ग्लोबल म्यूजिक के तू कोनो गाना देते रहो अगर गावत रहो तो कोनो गाना उनका देते रहो और उनका पसंद नहीं किया तब तू कहीं केहू के रिलीज करा सकते रहो, हाँ ये भी ऑप्शन बाओ में ये भी जजमेंट में ऑप्शन बाटे। और बाद से एगो और ही ऑप्शन बटे कि सुप्रीम कोर्ट जा कहें कि बार बार अपन लाइन में वो कर रहे हैं कि हमने के लड़े वाला लोग हैं जा हमने के लड़ब जा हमने के आगे भी जाए जा ये कोर्ट नहीं कि आगे भी कोर्ट बाटे ए तरह के संवाद खुद इंस्टाग्राम पर लाइव आकर ही कर रहे पहले फेसबुक पर लाइव आके कहते रहो अब थोड़ा सा इंस्टेंट बढ़ा के इंस्टाग्राम पर लाइव आते रहो थोड़ा सा तन मैंने और इंस्टेंट पर तो कबो ट्विटर पर भी लाइव आवे लगे अब स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ रहा भाई का करब होला। तो फाइनली अब खेसारी लाल अब सुप्रीम कोर्ट जाइ हन कि का करिहन ये वक्त बताई कि क्या 5 करोड़ रुपया दे के सेटलमेंट करिहन या कौन गाना दिहन उनका पसंद ना आए तब कहीं और रिलीज हुई ये सब कुछ अभी का कह संशय बाटे अभी कुछ भी हो रहा नहीं खे। तो ये भाई एकदम सच्चाई बाटे कि अभी खेसारी लाल यादव 2 साल लगभग जब तक फाइनल नहीं होगा तो लगभग गाना तो नहीं आए बोलू फिल्म उलिम में शायद आ सकत अटे लेकिन एल्बम में तो भैया मुश्किल ही बा। अब यह लोग एल्बम ही सांस है एल्बम ही प्राण है अब एल्बम ना रही तो हमको नहीं कहते कौन जीहन जाए कैसे सही बताओ नहीं चाहे अगर मतलब खेसारी लाल होकस पवन सिंह होकस एलबम से अगर एल्बम निकाल दो तो यह लोग कहीं के ना रहें जहाँ तक हमको उम्मीद बटे और इनका लागत बटे कि बिना एल्बम के भी जी सकल जा तो कमेंट करी और बताई और निश्चित भोजपुरी देखा करी कहीं कहते कि केहू कोई छेड़ करता ही ना हो जो होला बेबाक अंदाज में
खुल के बोला भैया, खुल के बोला। बाकी राम जी सलाम।